यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर है। यूट्यूबर एल्विश यादव पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की ओर से दर्ज मामलों के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की और ईडी एल्विश यादव से पूछताछ की तैयारी कर रही है। ईडी ने एल्विश के खिलाफ 2 नवंबर को नोएडा में दर्ज मामले को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और इसी मामले में 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार भी किया था। मामले में एनसीआर के बड़े होटलों, फार्म हाउस, रेव पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई करने की बात सामने आई थी। अब ईडी ऐसी पार्टियों के संचालकों के बारे में भी पूछताछ करेगी। एल्विश के पास लग्जरी कारों के काफिले पर भी पूछताछ होनी है। यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की ओर से दर्ज मामलों के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है। एल्विश यादव से पूछताछ की तैयारी ईडी कर रही है और एल्विश के खिलाफ 2 नवंबर को नोएडा में मामला दर्ज हुआ था और उसको आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनावों